नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान चुराने वाले चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने क्या ये सुना है कि चोर घर में रखी स्टील की लोटा और गिलास भी चुरा ले गए हों? अगर नहीं तो ये खबर देखिए, जहां सागर पुलिस ने चोरों से नकदी और जेवरात भगवान के आभूषण समेत चोरी में गया स्टील का लोटा और गिलास भी बरामद किए हैं। बता दें कि सागर शहर में लगातार हो रही चोरियों को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम बनाकर काम किया जा रहा था और इस टीम ने तीन चोर जिसमें रोहित अहिरवार, विशाल अहिरवार और दीपेश उर्फ बिस्कुट अहिरवार को पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने 5 वारदातों को कबूल किया है। वहीं 2 अन्य चोरियों के संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि इनके पास से करीब 3 लाख रुपए का सामान और मशरू का जब्त किया है। इसके साथ ही इनसे पूछताछ जारी है, जिनसे अन्य चोरियों का खुलासा होने की उम्मीद है। लगातार चोरी की वारदातों के ट्रेसिंग के लिए एसपी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी। एक टीम के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि अभी एक गिरोह को ट्रेस किया गया है। गिरोह की कंप्लीट चली तक कुल 5 चोरियों का खुलासा हो गया है। अन्य चोरियों का खुलासा भी किया जा रहा है और 5 चोरियों में 2 कोतवाली की है, 3 कैंट थाना अंतर्गत है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है रोहित अहिरवार, विशाल अहिरवार और दीपेश बिस्कुट अहिरवार। इन 3 आरोपियों के कब्जे से पुलिस द्वारा काफ़ी मशरूबा जब्त किया गया है, जिसमें कि 3 चांदी के छत, चांदी का मुकुट, सोने की लौंग, चांदी की लौंग, सोने की बिंदी, पीतल की थाली, काफ़ी सारा मशरूबा इसे जब्त किया गया है, जिसकी जो कीमत है वो लगभग 3-4 लाख रुपये है। और इन चोरों से अभी इनका PR लिया जाएगा और पूछताछ करके अन्य चोरियों का भी इनसे खुलासा हो। एक दूसरी टीम काम कर रही है जो कि जल्द ही उन चोरियों को खुलासा करेगी। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि इनमें से कुछ चोर जो है अभी हाल में ही जिन्हीं कारणों से बेरोजगार हो गए थे, तो फिर कुछ चोरों के संपर्क में आकर उन्होंने चोरी की है। अभी ये पता लगाया जाए कि 3 के अलावा और कौन है, लेकिन 3 मुख्य 3 लोग हैं जिनके द्वारा उन चोरियों को अंजाम दिया गया है। लगभग 3-4 लाख रुपये की कीमत का ये माल है।